हेलो गाइस, वेलकम टू कंपुलन विद करीम। और मैं हूं करीम। आज हम सीखने वाले हैं वर्ड में होम ऑप्शन को। होम के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, उसके अलावा फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना, फॉन्ट के साइज को चेंज करना, लाइन स्पेसिंग को कम या ज्यादा करना, टोटल अलाइनमेंट को देखना, फाइंड एंड रिप्लेस को जानना, इस ऑप्शन में हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए इसको। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे और यहाँ से हम लोग वर्ड का डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे एक एक ऑप्शंस को। सबसे पहले देखिए, आपने यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। पेस्ट के लिए पहले कट या कॉपी हम लोग को करना होगा। कट मीन्स की मूव एक जगह से हटा के दूसरे जगह करना है, और कॉपी का मतलब है कि एक जगह रहते हुए दूसरी जगह पे एक दूसरा फाइल मुझे बनाना है। तो सबसे पहले कट को देखते हैं। मान लीजिए ये दो लाइन को हम लोग कट करते हैं। कट के लिए आप राइट बटन को क्लिक करके भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे होम ऑप्शन में यहाँ से भी आप कट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल एक्स, इसका शॉर्ट की है, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले कट कर लेते हैं इसको। अब हम चाहते हैं कि इस जगह पे हम लाके इसको पेस्ट करें। तो पेस्ट के लिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, आप यहां से पेस्ट कर सकते हैं। यहां पर राइट बटन क्लिक करके यहां से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल भी, इसका शॉर्ट की है, कंट्रोल भी से भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब इतने सारे टेक्स्ट को हम लेकर के एक अलग फॉर्मेट बना लेते हैं। जैसे मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं। अब आप चाहते हैं कि बाकी जितने भी टेक्स्ट है मैं उसको भी इसी फॉर्मेट पे लेकर के आऊँ, इसी तरह दिखना चाहिए। तो उसके लिए आप एक बार में क्या कर सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर में क्लिक करेंगे और जो भी टेक्स्ट को आप करना चाहते हैं उस तरह का आप कर सकते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस भी टेक्स्ट को आपको उसी फॉर्मेट में लाना है वहां से फिर से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके माउस के बटन को छोड़ देंगे तो आपका एज इट इज ऐसा ही हो। सेलेक्ट को टेक्स्ट करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद अगर आप बोल्ड पे करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं इसको। इटालियन मोड पे करना चाहते हैं, इटैलिक मोड पे आप इसको कर सकते हैं। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप टेक्स्ट को, कौन सा टेक्स्ट लेना चाहते हैं आप, यहाँ से आप क्लिक करके टेक्स्ट भी ले सकते हैं। साइज को छोटा बड़ा करना हो यहाँ से कर सकते हैं आप, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं आप, यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं आप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस तरह का लुक में आप टेक्स्ट को देखना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं। अब इस ऑप्शन से हमें क्या समझ में आता है कि ये चेंज केस है। चेंज केस के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप सेंटेंस केस में रख सकते हैं, लोअर केस में, अपर केस में, कैपिटलाइज ईच वर्ड। मतलब ये क्या कह रहा है कि आप सेंटेंस को अगर इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल में रखना चाहते हैं तो वो सेंटेंस केस हुआ। उसके बाद अगर आप लोअर केस में रखना चाहते हैं, लोअर केस मीन्स कि सारे लेटर जितने भी हैं सब स्मॉल लेटर में हो, अपर केस में सारे आपके सारे वर्ड कैपिटल हो, सारे लेटर कैपिटल हो, और कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मीन्स कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। जस्ट लाइक उसी का तरह फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल लेटर में होंगे। तो आप जिस फॉर्मेशन पे चाहे इसको चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइटर है ये। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट ये बताता है कि आप कहाँ से सेंटेंस को स्टार्ट करना चाहते हैं।
ये जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट है तो यहाँ से ये सेंटेंस आपका स्टार्ट है। आप अगर आप सेंटर से करना चाहें तो सेंटर में आ जाएगा, ये लेफ्ट से करना चाहें तो लेफ्ट से, राइट से करना चाहें तो राइट से ये कर सकते हैं आप। इसके अलावा जस्टिफाई है, ये जस्टिफाई का ऑप्शन है कि आप ये सारे जो इधर उधर देख पा रहे हैं आप, इन सबको अगर हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके जस्टिफाई करेंगे तो आपका यहाँ तक का एंडिंग है ये, इसको सबको वहाँ तक लेके चल। तो अब देख पा रहे हैं जैसे ये इसको अभी ये जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट पे है, इसको सेंटर में चाहेंगे तो सेंटर में कर सकते हैं, फिर राइट में कर सकते हैं, और जस्टिफाई का मीन्स है दोनों साइड इक्वल बढ़िया से इसको अरेंज करना, तो इसको आप कर सकते हैं आप यहाँ से। आप लाइन का स्पेस देख लेते हैं, ये ऊपर से नीचे तक का जो भी लाइन का स्पेस है एक दूसरे इसका, उसको आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आप। अब थोड़ा इंडेंट को देख लेते हैं, इंडेंट का मतलब है कि आप पैराग्राफ को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस इंडेंट को यहाँ से सिलेक्शन करके आप कर सकते हैं। ये आप टेक्स्ट का फॉर्मेशन पहले से ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इसमें दिया हुआ है, तो आप जिसमें चाहें इसमें कर सकते हैं यहाँ से। अब एक चीज़ देख लेते हैं, फाइंड। फाइंड का मतलब बताता है कि आप के इस पैराग्राफ इस पेज में आपका कौन सा वर्ड आपको ढूंढना है आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रंगोली दिया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके उसको दिखा दिया रंगोली, आप फाइंड जिसको आप ढूंढ रहे थे वो आपका यहाँ है, तो फाइंड का मतलब यही हुआ। अब आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, रंगोली को आप कोई भी अदर वर्ड में, आप ये छोटे आपका स्मॉल लेटर में है, आप इसको सारे को कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, पांच है, पांच को इसने रिप्लेस कर दिया। ये आप देख रहे हैं रंगोली आपका सारे कैपिटल लेटर में हो गए। तो बस इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने आपको टेबल नहीं बताया, ये टेबल का फॉर्मेट है, तो टेबल के लिए एक अलग से क्लास में बनाऊंगा, तो उसमें हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे टेबल को कैसे क्रिएट करना है, टेबल को टेबल का फॉर्मेशन कैसे करना है, टेबल को अरेंज कैसे करना है, टेबल को हम लोग किस अनुसार रख सकते हैं बजाबते टेबल को बना करके। इस ऑप्शन को हम लोग टेबल में समझेंगे, टेबल को बहुत अच्छी तरह से मैं बताने वाला हूं, और टेबल में हम लोग एक एक करके जब इसको सारे को अप्लाई करेंगे और उसमें करके दिखाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें अगर मैं बनाने जाऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए टेबल को नेक्स्ट क्लास में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय।